घर किसको कहते हैं? घर किसको कहते हैं? नहीं, जहाँ अभी हैं आप, ये घर है या नहीं है? व्यक्तिगत नहीं है, किसका है फिर ये? अच्छा, वो उधर जो रह रहे हैं, उधर गौशाला वाले, वो उनका घर है कि नहीं है? जो किराए आदि का होता है वो भी घर होता है कि नहीं होता है? कहते ही घर है, घर में झगड़ा हो रहा है। तो क्या परिभाषा बनी गया फिर? गृह्यते यत्र तद गृहम्, जहाँ पर लौकिक सुखों के साधनों का संग्रह किया जाए। लौकिक सुख जहाँ इकट्ठे किए जाते हैं और भोगे जाते हैं, उसको विशेष रूप से यानी संग्रह करना। गृह्यते यत्र लौकिकम सुख साधनम तद गृहम्, लौकिक सुख साधन जहाँ सुख ग्रहण इकट्ठे किए जाते हैं और भोगे जाते हैं स्वतंत्रता से, वही घर होता है। यहाँ लौकिक सुख साधन इकट्ठा करने का विधान नहीं होता है। जो ब्रह्मचारी हैं, साधु सन्यासी वानप्रस्थी, इन सब के लिए साधन इकट्ठा करना विहित नहीं है। कोई किसी का अपना नहीं होता है वहाँ। नहीं तो सीमा बांध के नहीं करता है ना कहीं, वो तो सब खुला है, वो इकट्ठा ही नहीं है उसका। तो वासुदेव का हो गया वसुधैव कुटुंबकम, वासुदेव नहीं है, वासुदेवम सर्वमिति है। ये सारा वसुदेव का है, और वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा एव कुटुंबकम, वसुधा ही जिसका परिवार है। गृहिणी गृहम उच्यते, ये मनुस्मृति का है। वस्तुतः पत्नी ही घर होती है, यानी लौकिक सुख जिसको चाहिए, बिना पत्नी के तो होगा नहीं उसका। प्रधान तो वही है, और पत्नी आई तो इकट्ठा तो करना ही होगा, बिना इकट्ठा भी पत्नी रहेगी नहीं तो भाग जाएगी। तो वहाँ तो अनिवार्य रूप से होता है, फिर भी आदमी यानी कि लौकिक सुख लेना है हमको ऐसा मान के वो घर में ही रह सकता है। उसकी पत्नी मर जाती है, बच्चे मर जाते हैं, अकेला भी रहता है कोई, लेकिन फिर भी वो उसको घर कहता है, इसलिए कि अभी भी वो लौकिक सुख की उपेक्षा नहीं कर रहा है। लौकिक सुख छोड़ दिया, संसार छोड़ देना फिर कहेंगे उसको, घर छोड़ देना का मतलब फिर उसको कहते हैं संसार छोड़ दिया। तो संसार भी छोड़ने का अर्थ यही होता है,
लौकिक सुख जो ग्रहण करने की कामना थी, जो उसकी अवस्था थी, जो उसका घेरा था, जिस सीमे में लौकिक सुख स्वतंत्रता से ग्रहण किया जाए, निरापद होकर के उस सीमा को तोड़ दी उसने। खाना पीना उड़ना पहनना रहना, ये चाहे यहाँ रहो चाहे वहाँ रहो, द्रव्य रूप में अंतर नहीं होता है। अंतर केवल होता है विहित अविहित रूप में। घर में कोई कितना ही कैसे भी खाता है, रोज अपना वो हलवा खीर पूरी खाए, दूसरा कोई मना नहीं कर सकता, उसको नहीं कह सकता है क्या करता है यहाँ। और यहाँ बोल दिया जाएगा अच्छा स्वाद के पीछे लगा हुआ है, यहाँ वो नहीं रहेगा निरापद, रोज अलग अलग व्यंजन नहीं कर बना के खा सकते हैं। बोल दिया जाएगा नहीं रहेगा, लेकिन घर में कोई नहीं बोल सकता किसी को, वहाँ भोगने की स्वतंत्रता है, उसमें बाधा नहीं होती, विहित है। बस ये है कि यानी कि अधर्म से नहीं होना चाहिए, चोरी आदि के रूप में नहीं होना चाहिए, पुरुषार्थ पूर्वक होना चाहिए, द्रव्य त्याग पूर्वक होना चाहिए, वो बदले में लेकर के तो उसको भोग को वहाँ यानी भोग के ऊपर प्रतिबंध नहीं होता है लोक में। तो जिस सीमा के अंदर लौकिक सुखों का निषेध नहीं होता, वही सीमा जो है वो घर है। अब वो मल पड़े महल में होगा तो भी वही रहेगा, झोपड़ी है तो भी वही है, टेंट लगा रखा है शिविर कपड़े का प्लास्टिक का चार डंडा गाड़ करके, तो भी वो घर ही है, वहाँ भी कोई मना नहीं कर सकता उसको। तो मुख्य चीज है जो घर होता है वो लौकिक सुख का आश्रय होता है, या जहाँ भी, तो इससे ये हो जाएगा कि लौकिक सुख का आश्रय जो जो भी है वो सब घर ही है। परंतु घर में रहना यह प्रशस्त जीवन नहीं होता है, जीवन की उसमें परिपूर्णता नहीं मानी जाती है। घर जीवन के लिए परिपूर्ण नहीं होता है, अधूरे जीवन का है वो आश्रय। इस कारण से यहाँ घर को छोड़ने का है विधान, घर छूट जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। नहीं छूट रहा है तो अभी उसका जीवन, अभी समझो पूर्ण होने वाला नहीं है, यानी प्रशस्त नहीं होता है। तो घर छोड़ना यानी प्रशस्त जीवन के लिए आवश्यक है, प्रशंसनीय उत्तम जो है। तो घर छोड़ने का फिर अर्थ यही होगा मूलतः लौकिक सुख भोगने की स्वतंत्रता का जो अधिकार है, लौकिक सुख भोगने का जो अवसर रख रखें, जिसमें कि कोई कुछ नहीं कहेगा, उस स्थिति को छोड़ना वस्तुतः घर छोड़ना। घर से बाहर आने के बाद भी अगर वो वैसे ही सीमा रखता है कि मैं चाहे जो खाऊं पीऊं जो कुछ करूं तुम कौन होते हो, तो समझो अभी नहीं छोड़ा उसने घर, भले ही संन्यास ले लिया, आश्रम में रह रहा है,
वहाँ भी वही चीज़ें जो है खाना पीना भोगना देखना सब कर रहा है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्र रूप में, तो ठीक नहीं है। फिर वो चीज़ छूट जानी चाहिए। ये कहने का मतलब है कि फिर ये जहाँ जहाँ भी वस्तुतः लोक के आश्रित हम हैं वो हमारे लिए अप्रशस्त स्थिति है। लोक का आश्रय भले ही जहाँ तक चलेगा वो अपूर्ण माना जाएगा। खाने की है पीने की है घूमने की भी है तब भी, यानी लोक का आश्रय ही रहा ना, वो है तो लौकिक सुख वो नहीं छूट। वो एक अलग चीज हो जाएगी फिर, जीवन रक्षा या शरीर रक्षा के लिए दृष्टि से नहीं होता है। मूल चीज़ है कि वस्तु तत्व क्या है। ये तो हो नहीं सकता है कि भोजन छोड़ दे आदमी, भोजन छोड़ने का तो अर्थ मरना होगा फिर। तो शरीर को अगर रख रहा है तो भोजन तो चाहिए शरीर के लिए। तो अब वो है कि उस यानी अच्छा भी खा सकता है, वो अच्छा पहन सकता है, उसमें बाधा नहीं है। लेकिन वो वही चीज़ है कि वो यानी सुख की लालसा से खा रहा है या सुख से रहित होकर के अनासक्त होकर खा रहा है, यानी उससे जो सुख मिलना है उससे वो आत्मा की तृप्ति देख रहा है क्या। अगर वो लगता है ना आत्मा को भरने के लिए अभी चाहिए, खाली है मेरी आत्मा, इससे तृप्त हो जाऊंगा संतुष्ट हो जाऊंगा, ऐसी स्थिति उसमें है तब तो वो दोष है, खाना पीना देखना सुनना सब। और इससे रहित है उसमें तो फिर हो जाएगा कि वो वस्तु है सामने, तो हम देख रहे हैं आँख में देखने की है, वस्तु में रूप है तो दिखेगा ही। अब जैसे ये दिख रहा है वैसे हर चीज़ जो भी रहेगी वो तो दिखने की है तो दिखेगी वो, तो वैसे में देख रहे हैं तो दोष नहीं है वो। ऐसे ही खाने की पीने की शरीर है, शरीर के लिए वो भेद वस्तु है, तो अब उस रूप में ग्रहण कर रहा है उसको, तो उसमें दोष नहीं है कुछ भी, तो है ही भाई शरीर तो इसको रखना है, आत्महत्या तो कर नहीं सकता, जीवन को बचा करके रखने का विधान है। तो जीवन बचाने के लिए जीवन के फिर साधन भी तो चाहिए, तो उस दृष्टि से साधन का प्रयोग कर रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन उसी साधन के प्रयोग करते समय अतिरिक्त होता है, उसमें जो सुख मिलेगा उससे मेरी आत्मा तृप्त होगी, इतना जो भाव है ये है मिथ्या, क्योंकि ये उससे नहीं होता है, ये उसका विषय नहीं है, ये उससे होगा ही नहीं। तो अभी भी व्यक्ति जो होता है केवल जीवन या शरीर की रक्षा की पुष्टि के लिए नहीं खाता है कोई, वो जो खाता देखता है वो सब आत्मा को भरण तृप्त करने के लिए खाता है। तो वो वाला जो भाग है वो है दोषयुक्त, वो नहीं रहना चाहिए। अब ये अलग बात है कि वो दूसरे को तो दिखेगा नहीं है वो किस रूप में खा रहा है, वो किस निमित्त से खा रहा है, तो उसके लिए यही होगा कि एक तो पहले उसकी बातें ही सुननी माननी पड़ती है कि वो क्या निमित्त किस निमित्त से खा रहा है, और यदि वो व्यक्ति झूठ नहीं बोलता है तो स्वीकार होगा, वो झूठ बोलता है तब वो बात नहीं मानी जाएगी उसकी। फिर दूसरी बात है कि उसकी जो यानी संग्रह की स्थिति होगी, अगर सुख के लिए कर रहा है तो अतिरिक्त संग्रह करेगा ही,
सुख के लिए नहीं है तो अतिरिक्त संग्रह नहीं करेगा, जितने से उसका काम चलता है यानी बाधित नहीं होता है उसका जीवन, दुखी नहीं हो जाता है, उतने साधनों का ही संग्रह करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा वो। ऐसे दूसरे से लेने में, दूसरे को देने में, वहाँ भी उसको लोभ लालच की स्थितियाँ नहीं होगी, आग्रह नहीं रखेगा कोई व्यक्ति हमको क्यों नहीं दे रहा है, या फिर कुछ दे करके लेने की, ले करके देने, मैंने कुछ दिया तो वो क्यों नहीं दिया हमको, ऐसी स्थितियाँ नहीं रहेगी उसकी। ये स्थिति यदि है तो वो अभी सुख की दृष्टि से ले रहा है, उसको उसमें आसक्ति है। अगर ये अपना निष्काम रूप में उसका उपकार कर देता है, किसी का उपकार करता है, कोई इसको दे देता है, तो ऐसे में ले रहा है तो अदला बदली नहीं है, यहाँ अदला बदली नहीं है तो फिर वो दोष नहीं है। लेकिन ये अगर रखता है कि मैं देता हूँ, प्रवचन देता हूँ या ज्ञान देता हूँ, कुछ भी देता हूँ, मैं इसकी सुरक्षा करता हूँ, सहायता करता हूँ, तो इसके बदले मुझे दे, ये बदले में यदि लेने की भावना है तो वो वही चीज़ है, अभी लोक संग्रह ही है, और ऐसी भावना नहीं है उसमें तो लोक संग्रह नहीं है, उसमें नहीं आएगा दोष। तो ऐसे यानी उसके व्यवहार से पता लगेगा इसमें क्या इसकी भावना रहती है, किसी चीज़ को लेते समय, उसके प्रयोग करते समय क्या रहती है इसकी स्थिति, वो धीरे धीरे पता लगता है उसका, कहीं छिपाता भी है, कहीं बचाता भी है, कुछ भी करता है, लेने देने में उसका अंतर आता है। तो ऐसे करके कुछ कुछ परीक्षा होती है, और बाकी तो है कि उसके वचन से ही अधिकतर लगता है ये क्या कह रहा है, यानी उसका स्तर होता है, उसकी ज्ञान विज्ञान का, उसके व्यवहार का, उन सभी के साथ तुलना करके, समन्वय करके फिर निर्णय होता है इसका, ये सच्चा है, ये झूठा है। क्योंकि त्याग तपस्या का उपदेश तो वो करेगा ही, और साधन को भी इकट्ठा कर रहा है, तो विरोधाभास हो जाएगा ना फिर। अगर त्यागी है और त्याग का उपदेश नहीं करता है, वो कहता है कि हाँ नहीं, खूब इकट्ठा करते रहो, तो उसके वचन के साथ विरोध आएगा। ऐसे करके उसमें अंतर से पता लगता है। तो मूल चीज़ है कि बाहरी व्यक्ति का इसमें पता लगना गौण होता है, अपने लिए ही होता है ज़्यादा, अपने को ही देखना होता है कि मैं इस प्रकार से चल रहा हूँ कि नहीं, मेरी स्थिति ऐसी बन रही है कि नहीं, आत्मनिरीक्षण से स्वयं को ही इसमें देखना होता है। बाहर वाला मानेगा नहीं मानेगा कोई ज़रूरी नहीं है, बाहर दूसरे में ये चीज़ है या नहीं है ये भी गौण होता है, मुझ में है कि नहीं, बस यही करना होता है इसमें। तो ऐसे ही जैसे अब मूल चीज़ में यही आएगी, आई बात कि चाहे किसी भी अवस्था में हैं, लोक यदि आश्रय बन तो वो उत्तम स्थिति नहीं है अभी। किसी भी अवस्था में लौकिक सुख साधन लोक आश्रय नहीं रहना चाहिए, क्योंकि यह जो होता है निरंतर छूटने वाला होता है, हर समय छूट रहा होता है, अपने साथ कभी जुड़ता नहीं है पूरा पूरा, स्थायी रूप से कभी कोई इनके साथ संबंध होगा ही नहीं। और आश्रय जो होता है वो संबद्ध होना चाहिए, संबद्ध नहीं है तो आश्रय किस बात की, तो इस कारण से लोग कभी संबद्ध होता नहीं है, स्थायी रूप से जुड़ता नहीं है, जो स्थायी रूप से जुड़ ही नहीं सकता है तो उसके आश्रय कैसे हो सकते। तो द्रव्यतः भी
स्थायी रूप से नहीं जुड़ता है। और दूसरी बात है कि इसमें हम जो चाहते हैं कि सुखी हो जाएं, शांत हो जाएं, निश्चिंत हो जाएं, तृप्त संतुष्ट हो जाएं, ये भी नहीं इनसे होता है, इसकी पूर्ति नहीं होती है लौकिक से। तो इस हेतु से भी इसके ऊपर निर्भर नहीं रहा जा सकता है, इस पर निर्भर होना इस कारण से बुद्धिमत्ता नहीं कही जाएगी। स्वभावतः ये हमारा आश्रय नहीं बनता है। दूसरी दृष्टि से इसमें कहेंगे तो जैसे ये शरीर होता है, संसार भी है जो ये रहने की जगह तो है कम से कम, लेकिन मनुष्य शरीर नहीं है। पशु पक्षी आदि के शरीर जो हैं ये यहाँ रहने की जगह है, मनुष्य शरीर नहीं है, मनुष्य शरीर नहीं है, नहीं। यानी कि योनि कहेंगे, शरीर कहेंगे, मनुष्य योनि नहीं है, पशु योनि है, पक्षी योनि है, ये इसके लिए ही बने संसार के लिए, रह रहे हैं लेकिन इनके रहने का नहीं, उनके लिए तो है ना, वो बचपन से लेकर के बुढ़ापा मृत्यु तक उनका कुछ नहीं बदलता है, एक ही स्थिति में रहते हैं, वो बढ़ा नहीं सकते अपनी स्थिति को। नहीं, इसका तो क्या होता है ना, इसका विधान है कि ये छोड़ सकता है, इसको सब कुछ छोड़ना है, इसके लिए भोग और अपवर्ग दोनों तरह के इसमें काम करने का है विधान, ये केवल भोगने के लिए नहीं है मनुष्य शरीर, लेकिन पशु आदि के शरीर जो हैं ये केवल भोगने के लिए, वो काम करने के लिए है नहीं। हाँ, इसलिए उनका ही है वो घर स्थाई। हाँ, हमारे लिए नहीं, हम तो एक तरह से चौराहे हैं, चौराहा किराया है, क्या लो, रहना हो तो इनमें किसी में ले लो, स्थाई है ये, इनको बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। यानी उनको ऐसा कोई काम का विधान नहीं है कि इसमें तुम छूट जाओगे, अब शुरू से अंत तक एक ही स्थिति रहेगी उनकी, वो बदलती नहीं है, मतलब खाना पीना जो कुछ भी है वो कुछ नहीं बदलेगा, एक ही स्तर होता है उनका आदि से अंत तक, स्तर भेद नहीं होते उनमें। जो छोटा बच्चा खा रहा है गाय भैंस का, वो बूढ़े वो ही खाएंगे, बस कुछ बना नहीं सकते, बढ़ा नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, अंतर कर ही नहीं सकते। जीवन में जितनी उपलब्धि हो गई शुरू में वही के वही अंत तक चलेगी उनकी, परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन वो कर नहीं सकते। लेकिन मनुष्यों में ऐसा नहीं होता है, इसमें उत्तरोत्तर बदलने की स्थिति है, और बहुत सारी चीज़ों का निषेध है इसमें, जो ले सकते हैं उस पर भी प्रतिबंध हो जाता है, उनके लिए कुछ भी प्रतिबंध नहीं है, उनका एक बार विधान कर दिया उतना खाना पीना वो ही खाते पीते रहेंगे बस, वो नया बना के नहीं खा सकते, ना वो उपवास कर सकते, नहीं मिलता है अपने आप उपवास हो जाता है उनका, वो तो होता है, लेकिन भोजन रखा हो और फिर कौवा कोई उपवास करे, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है। कौवे का उपवास देखा है कभी? नहीं हो सकता है। उसके सामने रख दो कुछ, कुत्ते के सामने रख दो, वो छोड़ के तो बैठेगा नहीं, लेकिन मनुष्य थाली में मतलब रख करके भी वो हट सकता है,
वो चाहेगी नहीं खाऊंगा बस रख दो आज, वो नहीं खाएगा। भोग का ये त्याग कर सकता है कभी भी, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं कर सकते, उनके सामने ये स्थिति हो ही नहीं, सोच ही नहीं सकते हो ऐसा, ये छोड़ने की भी चीज़ होती है क्या। लेकिन ये सोच सकता है, सोचता है और बताया जाता है इसको, ये तुम्हें छोड़ना है, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो इस कारण से मनुष्य शरीर में या मनुष्य योनि में इसको दो तरह का, भोग योनि और कर्म योनि दोनों बताया है। वयात्मक होता है मनुष्य योनि जो होती है, इसी कारण से इसी में भोग और इसी में अपवर्ग दोनों की स्थिति होती है, ग्रहण करने की भी और छोड़ने की भी रहती है। और छोड़ देना उतना ही अनिवार्य है जितना ग्रहण करना अनिवार्य है, बल्कि ग्रहण से ज़्यादा त्यागने की अनिवार्यता है इसमें। जिस जीवन में मनुष्य योनि में, यानी जिसका इस योनि में अगर सब कुछ का त्याग हो गया तो समझो उसका कल्याण हो गया। जिसने सब छोड़ दिया उसका तो कल्याण हो गया, और जिसका नहीं छूटा उसका महान विनाश अभी बचा हुआ है। तो इसलिए ये मनुष्य शरीर जो है ये तो यहाँ के निमित्त है ही नहीं, इसमें स्थायित्व तो है ही नहीं, इसको ठीक यहाँ के मतलब क्या कहेंगे प्रमाण पत्र है ही नहीं इसको कि तुम यहीं रहो बस। इसको जाने का छोड़ने का है विधान, तुम्हें यहाँ नहीं रहना, बाकी लोग रहेंगे, वो रहते रहें उन पर कोई आपत्ति नहीं है, पर मनुष्य के ऊपर ये नहीं होता है, ये निरापद नहीं होता। तो इस प्रकार से यानी शास्त्र का भी कहने का मतलब है मनुष्य जीवन में लोक का आश्रय छूट जाना चाहिए। जितना जितना लोक का आश्रय बना हुआ है उतनी उन्नति हमारे जीवन की न्यूनता है, और जितना जितना ये छूट रहा है उतनी उतनी इसकी उन्नति है, इसकी प्रगति है, और पूरा छूट जाना इसकी संपूर्णता है। तो इस प्रकार से संसार पूरा का पूरा छूटना चाहिए, छूट जाना चाहिए, और आश्रय जो है हमारा वास्तविक में ईश्वर है, ईश्वर आश्रय बन जाना चाहिए। तो इस जीवन में चाहे बाल्यकाल में है, यौवन में, बुढ़ापे में, जहाँ कहीं भी ईश्वर पूर्ण आश्रय बन गया और लोक का आश्रय पूरा छूट गया तो वही क्या है इसका परम कल्याण है, वही जीवन की कृतकृत्यता है, वही संपूर्ण स्वतंत्रता है, वही क्या होता है ये जीवन सफल होता है। तो इस कारण से ऐसे ही हर समय प्रयास करते रहना चाहिए। हम चाहे जो कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कितने ही अनुकूल से अनुकूल स्थिति हो, कितनी ही प्रतिकूल से प्रतिकूल स्थिति हो, दोनों ही हमारे लिए ग्राह्य नहीं होता है। प्रतिकूल स्थिति तो ठीक है किसी न किसी तरह से हट जाए, चली जाए, ये मनाते रहते हैं, लेकिन अनुकूल आ जाए तो उसको भी नहीं मना सकते कि हाँ बस यही रह जाए। अनुकूल बनाते रहना चाहिए, प्रतिकूल की अपेक्षा अनुकूल ठीक है, लेकिन ये अनुकूल उस अनुकूलता में फिर संतोष कर लेना, अब तो शांति हो गई, रामराज आ गया, जो भी हो गया, ऐसा मान के संतुष्ट हो जाना, संतोष कर लेना कि हाँ बस ठीक है, अब ये अब रहने लायक हो गया अंतिम रूप से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यहाँ उत्तम से उत्तम जो लौकिक स्थिति है वो संतोष करने योग्य नहीं है, वो भी त्याज ही होता है। संतोषजनक स्थिति केवल जो
नित्य स्थिर आश्रय हमारा ईश्वर है, वही आना चाहिए। एतद आलंबनम श्रेष्ठम, एतद आलंबनम परम, एतद आलंबनम जात्वा यो यद इच्छति तस्य तत्। यही ज्येष्ठ सबसे बड़ा आलंबन है, यही सबसे श्रेष्ठ आलंबन है, और इसी को जान लेने प्राप्त कर लेने पर जो जो चाह रहा है कि ये हो जाए उसका वो हो जाता है, यानी उसकी परिपूर्णता हो जाती है, कृतकृत्यता हो जाती है, जीवन की सफलता हो जाती है। तो इस प्रकार से ही हम चाहे जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, जिस किसी भी साधनों का प्रयोग कर रहे हैं, लौकिक साधन यदि वो है तो धीरे धीरे उससे ऊपर उठने का प्रयास करते रहना चाहिए, उसको छोड़ करके बिना उसके रहने का सामर्थ्य देखते रहना चाहिए, बनाते रहना चाहिए। और ईश्वर का जो अभाव लग रहा है, संबंध नहीं बन रहा है, अनुभूति नहीं हो रही है, उसको बनाने की, प्राप्त करने की स्थिति बनाते रहना चाहिए, उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए।